हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटे बच्चे के लिए जैसे एक सिंपल सा फ्रॉक की कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को हम इस तरह से कपड़े को हमें एक बार फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने ये कपड़े को एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड करेंगे। दोबारा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लंबाई लेंगे। ये छोटे बच्चे के लिए है इसीलिए हम लंबाई लेंगे 19 इंच। तैयार 19 इंच होगा। यहाँ पे हमें 1 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पे हम 20 इंच लेते हैं। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इसे हमें कट करना है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने कट कर किया है। अभी यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है। जैसे 1.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई लेते हैं, 4.5 इंच पे हम शोल्डर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल लेना है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। साढ़े चार इंच पे हमने एक मार्किंग किया है। यहाँ पे हमें 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। आर्महोल की जो गोलाई है वो देते हैं हम 1 इंच पे। ये छोटे बेबी के लिए है इसीलिए हम आर्मोल की गोलाई जो है एक ही आर्मोल की गोलाई देते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा आधा इंच भी दे सकते हैं, नहीं तो एक गोलाई देंगे तो भी ये चलता है। यहाँ पे हमारा चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट का 1/4 है हमारा 5.5 इंच। इसके आगे आपको 1 या 1.5 इंच लेना है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच लेते हैं। 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें 5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। जैसे हमने चेस्ट का नाप लिया था 5.5 इंच, इसके आगे हमने 1.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है 5 इंच, और इसके आगे आपको 1.5 इंच लेना है। 1.5 या 1 इंच भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे नीचे के साइड में जो घेरा है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कम चाहिए तो आप, जैसे स्ट्रेट चाहिए तो आप सीधा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच का ये घेरा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है, सॉरी लंबाई लेनी है। गले की लंबाई लेंगे हम 3 इंच पे। हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे हमें इस तरह से ये राउंड शेप देना है। अभी यहाँ हमें चेस्ट से कमर तक और यहाँ पे हमें ये घेरे तक हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी हमें इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। अभी यहाँ हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हम ये जो एक्स्ट्रा मार्किंग जो हमने किया है इसे हमें कट करना है। इसे जैसे अलग घेरे वाला भी बना सकते हैं, या वन पीस जो है छोटे बेबी के लिए इस तरह से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक साइड का नेक जो है इसे हमें साथ में ही कट करेंगे। इस तरह से हमने ये एक जो है ये हमारी बैक साइड है और एक जो है ये हमारी फ्रंट साइड है। अब बैक साइड में आपको 4 या 5 इंच पे आपको कट करना है। जैसे यहाँ पे हम बीच में से इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी लगाते हैं। तो उसके बाद जैसे ये गले में जाने के लिए यहाँ पे हमें छोटे बेबी के लिए
एक छोटा हुक या बटन जो भी कुछ हो, या 4-5 इंच के लिए यहाँ पे हमें बैक साइड में इसको कट करना है। और ये जो है यहाँ पे हमने जो आर्मोल कट किया है, आप चाहे तो इसको स्लीव्स भी बना सकते हैं, छोटी जो स्लीव्स है तो स्लीव्स भी बना सकते हैं, नहीं तो इस साइड में जैसे पाइपिंग लगा के आप छोटी सी फ्रिल जो है 2 इंच या 1.5 इंच की आप छोटी सी पट्टी निकाल के आप ऐसे छोटे छोटे प्लेटें डाल के इस तरह से ये इसके ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे इसके ऊपर अंदर के साइड में आपको इसकी पाइपिंग या पट्टी लगानी है, उसके बाद इसके ऊपर आपको ये फ्रिल लगानी है, तो यहाँ पे भी गले के ऊपर भी आप इस तरह से ये पट्टी यानी कि फ्रिल जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरी लंबाई ली थी, जितनी आपकी लंबाई होगी, इसके आपको कम ज़्यादा चाहिए, जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, यानी कि जितनी भी चाहिए आपको लंबाई, ये मुझे इतनी चाहिए थी इसलिए मैंने ये 20 इंच ली है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे गले का मार्किंग किया था हमने 1.5 इंच पे, तो अब 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। शोल्डर लेना है आपको 4.5 इंच, यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है 4.5 इंच, एक ही आप गोलाई देंगे तो भी चलता है, जैसे फ्रंट और बैक साइड की छोटे बेबी के लिए ये चल जाता है। तो आप यहाँ पे पाइपिंग करके इसके ऊपर फ्रिल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेस्ट का 1/4 + 1.5 इंच लिया है, आप 1 इंच लेंगे तो भी चलता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कमर का 1/4 लेना है, तो हम यहाँ कमर का 1/4 लेते हैं, इसके आगे आपको 1.5 इंच लेना है। और घेरा जो है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, जैसे चेस्ट से भी ज़्यादा घेरा नहीं तो आपको सिंपल कम चाहिए घेरा, तो आप यहाँ पे सीधा भी इसको कट कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल फ्रॉक की कटिंग कैसे करनी है, छोटे बेबी के लिए ये सिंपल फ्रॉक हमने तैयार किया है, ये डेली यूज़ के लिए पहनने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फ्रॉक की कटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको अब बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।